अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, बिटकॉइन की एनालिसिस, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि बिटकॉइन की प्राइसेस, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्यों क्रैश हुआ। बिटकॉइन की प्राइसेस $48,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर से बिटकॉइन की प्राइसेस $44,000 के यानी तकरीबन $4,000 तक वॉलेटिलिटी शो की बिटकॉइन की प्राइसेस ने। अभी इसकी रीज़न क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ टॉप 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। क्योंकि जब मैं पहली बार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया था, जिस चीज़ों की वजह से मेरा लॉस हुआ था क्रिप्टो करेंसी में, मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा लॉस किया था, वो मैंने आप लोगों को वो चीज़ें दिखाने हैं ताकि आप लोग भी उसे अवॉइड करें, ताकि आप लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर तरीके से करें, और उसके अलावा आपकी जो लॉस है उनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। तो लास्ट में हम उन चीज़ों को भी शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में, तो बिटकॉइन की प्राइसेस ने तकरीबन $4,000 तक उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई है। 5% तकरीबन पूरी 24 घंटों में 5% उसके प्राइसेस ड्रॉप हो गई है। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो उसकी मार्केट कैप है, क्योंकि मार्केट कैप $900 बिलियन तक पहुंच गई थी, और आज तकरीबन $849 बिलियन है। $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चली गई बिटकॉइन की ओर से। लेकिन एक और माइलस्टोन बिटकॉइन के लिए ये है कि बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आज 19 मिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ 2 मिलियन बिटकॉइन है वो रह चुके हैं, उसके बाद फिर सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे। अभी आज ही ये कंप्लीट हो जाएंगे 19 मिलियन बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ आ गई, उसके बाद जितनी भी हमारे पास और कॉइन है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है, उसकी प्राइसेस ने भी बहुत अच्छा खासा डिक्लाइनिंग की तरफ आ गई, अच्छी खासी उसने नीचे की तरफ उसकी प्राइसेस आ गई। लेकिन एक और क्रिप्टो है जो मेरा फेवरेट है, कल के वीडियो में अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो उस प्रोजेक्ट पर मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा, जो है हमारे पास थीटा नेटवर्क, जो मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है। उसकी मेन रीज़न क्या है, उसकी टोकन इकोनॉमिक्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं, 20 से ज़्यादा कमेंट आते हैं थीटा नेटवर्क के बारे में, कि इसकी इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कल वीडियो बनाऊं, तो मैं इस भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और इसकी पोटेंशियल के बारे में भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये थी हमारे पास बिटकॉइन की थोड़ी सी एनालिसिस। अभी अगर हम उसकी चार्ट को थोड़ी सी देखें, देखो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस जिस लेवल की हम बात कर रहे थे कि $46,000 जो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको होल्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बिटकॉइन की प्राइसेस ने ऊपर की तरफ एक पंप शो करना है। लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस $44,000 तक नीचे की तरफ आ गई, लेकिन इस एरिया को आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अभी ये जो जोन है, इस जोन को आप देख रहे हैं, ये एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी हम उसको कहते हैं, या पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन अभी ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो एक्सपेक्टेड है यहाँ से इसको सपोर्ट मिले और इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी जो वीकली कैंडल, जो डेली कैंडल है वो बंद नहीं हुआ है, फिर भी इसने एक स्मॉल सा विक बनाया हुआ है। तो ये विक जरूरी है, अगर ये एक बड़ा विक बनाते हैं तो फिर इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन आपने इस कैंडल को भी देखना है, इस कैंडल को भी आप लोग देख सकते हैं कि मुसलसल ये तीसरा दिन है कि जो हमारे पास बिटकॉइन की जो कैंडल है वो बड़े बड़े कैंडल बंद हो रहा है, जो रेड कैंडल है, और ये अलार्मिंग है, और ये बिटकॉइन की प्राइसेस $42,000 तक लेके जा सकती है। अगर ये लेवल हमारे पास है, इसकी ब्रेकआउट हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वो हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकती है। अभी जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं वो इस लेवल तक क्यों आ गई, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। मैं आप लोगों को अगर मूविंग एवरेज के बारे में बताऊं, तो हमारे पास 2 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज, उसके अलावा हमारे पास जो 200 मूविंग एवरेज है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको देखना इंतहाई जरूरी है। देखो हमारे पास ये 200 मूविंग एवरेज है। अभी इस मूविंग एवरेज को आप लोग देख सकते हैं कि पहले ये जब तक कैंडल के नीचे था, बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ गिर रही थी, फिर भी यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, फिर भी उसको यहाँ पे सपोर्ट मिल गया। और मैंने जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में भी आप लोगों को सिखाया था कि जब भी इसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ जाने लगती है, फिर एक रिटेस्टिंग जरूर होता है, रिटेस्टिंग हो गई और उसके बाद उसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई। अभी हम बात करें तो यहाँ पे जो कैंडल, जो हमारे पास मूविंग एवरेज है, ये इस कैंडल के ऊपर आ रहा था, उसकी प्राइसेस नीचे थी, लेकिन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी जो ये 200 मूविंग एवरेज है, इसकी ब्रेकआउट हो जाएगी और बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन ऐसे ही हुआ जैसे एक्सपेक्टेड था,
कि बिटकॉइन ने यहाँ से उसको एक रेजिस्टेंस मिल गई और उसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ आ गई। अभी 200 मूविंग एवरेज जो है ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अभी बिटकॉइन की प्राइसेस ने ये लेवल हमारे पास है, इसकी ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास एक तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास मूविंग एवरेज है उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम RSI की थोड़ी सी बात करें तो RSI को आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मुसलसल RSI था, ऊपर जा रहा था तकरीबन ये और जो और बॉट पोजिशन पर चला गया था, उसके बाद RSI भी नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन RSI को इस जगह को होल्ड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बिटकॉइन ने इस प्राइसेस से ऊपर की तरफ जाना है। अगर यहाँ से इसकी थोड़ी सी इस तरह हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो फिर से ये $47,000 फिर से वो रिकवर कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि बिटकॉइन के जो हमारे पास मार्केट की सेंटिमेंट है वो अभी हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 50 पे था। अभी बिटकॉइन की प्राइसेस ने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी शो की, इसके बावजूद भी हमारे पास जो मार्केट की सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि मार्केट अभी फियर में भी नहीं है और अभी ग्रीड में भी नहीं है। लेकिन अगर हम न्यूज़ की बात करें तो बहुत सारे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं जो बिटकॉइन की प्राइसेस को यहाँ से सपोर्ट मिल सकती है और उसके बाद उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। इस पर हम बात करेंगे। पहले अगर हम बात करें हमारे पास जो लिक्विडेशन हो गई, अभी बहुत सारे लोगों ने जो $47,000 पे लोगों ने वहाँ पे उसको लॉन्ग पोजीशन लिए थे फ्यूचर ट्रेडिंग में, जो मैंने आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग कोर्स में बताया था कि वो कैसे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लिए थे। सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ चंद घंटों में $40 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशन हो गई। आप इस स्पाइक को देख सकते हैं, हमारे पास ये स्पाइक है, एक घंटे में $16.5 मिलियन लिक्विडेशन हो गई लॉन्ग पोजीशन में, और दूसरे घंटे में हमारे पास फिर हो गई $22 मिलियन एंड वन और तकरीबन दो घंटों में $40 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशन हो गई। और इसी लिक्विडेशन की वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाती है क्योंकि लिक्विडेशन इस तरह होती है कि मैंने जो लिक्विडेशन जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कोर्स में आप लोगों को डिटेल के साथ समझाया था कि हमारे पास जब लिक्विडेशन हो गई थी, एक तो वैसे भी मार्केट नीचे की तरफ आती है, यानी मार्केट नीचे की तरफ आ गई, सपोज करें यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए थे वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गए, तो ऑब्वियसली और सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अगर हम टोटल क्रिप्टो करेंसी लिक्विडेशन की बात करें तो वो तकरीबन $350 मिलियन की लिक्विडेशन हो गई थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। उसके अलावा एक हमारे पास ऑन चेन इंडिकेटर है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो हमारे पास ये रेशो है, शॉर्ट टर्म होल्डर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, यानी शॉर्ट टर्म होल्डर जितने भी है जो लोग कई दिनों के लिए बिटकॉइन को होल्ड रखते हैं या क्रिप्टो करेंसी को होल्ड रखते हैं, उसकी जो जितने प्रॉफिट है या उसकी प्रॉफिट डिवाइड बाई लॉस, तो हम इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये बिटकॉइन की प्राइसिस है और ये इसका रेशो है। अभी ये पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास लेवल है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो रेशो है ये ग्रेटर देन वन है, अगर ये रेशो हमारे पास ग्रेटर देन वन है तो फिर मार्केट बुलिश है, अगर ये रेशो हमारे पास ग्रेटर देन लेस देन वन है तो फिर हमारे पास मार्केट बियरिश है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अभी जो है वो 2.23 है, यानी मार्केट अभी तक हमारे पास बुलिश है। अभी कई महीनों तक आप देख सकते हैं कि दिसंबर से लेकर मार्च तक तकरीबन 4 महीने इसी रीजन में रहा मार्केट हमारे पास बियरिश था। ये इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि अभी हम बुलिश मार्केट में हैं, यानी बिटकॉइन की प्राइसेस है वो सिर्फ उस रेजिस्टेंस लेवल की वजह से नीचे की तरफ गई, बिटकॉइन रिकवरी कर सकता है। अभी हम बात करें, एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है क्योंकि बिटकॉइन की प्राइसेस अभी जो पंप हुए हैं वो लूना फाउंडेशन की वजह से, जो उसका फाउंडर था जब उसने अनाउंसमेंट की कि हम $10 बिलियन के बिटकॉइन खरीद रहे हैं, फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की। अभी एक और हमारे पास है जो मैक्रो स्ट्रेटेजी माइकल सेलर के बारे में सारे लोग जानते हैं, और इसी फर्म के पास अभी तक 125,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है, $6 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने 205 मिलियन डॉलर की ओवर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। पिछले 2 महीनों से उसने कोई भी और बिटकॉइन को नहीं खरीदे हैं, अभी फिर से वो उसको खरीदने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि मैक्रो स्ट्रेटेजी टू बाय मोर BTC फॉलोइंग $205 मिलियन बिटकॉइन जो कोलेटरल रखे हैं। अभी ये सिल्वर गेट है, एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है यूनाइटेड स्टेट में, इसने क्या किया है,
कि इसने लोन दिया है मैक्रो स्ट्रेटेजी को, और उसने जो लोन दिया है उसके कोलेटरल, उसके इज अ कोलेटरल बिटकॉइन को इज अ कोलेटरल लगा है। देखो हम जब बैंक से लोन लेते हैं, सपोज करें हमें अपना घर बनाते हैं हाउसिंग स्कीम के लिए, अगर आपने लोन लेना है तो आपने किसी चीज को कोलेटरल लगना है बैंक के पास, जमानत रखना है। तो इस तरह जो मैक्रो स्ट्रेटेजी है, इसने लोन लिया इस सिल्वर गेट जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इसे लोन लिया अपने बिटकॉइन को इज अ कोलेटरल रखना। तो ये बिटकॉइन के लिए एक न्यू यूज केसेस है। जैसे हमने बात की लूना फाउंडेशन में जो अपना जो उसकी स्टेबल कॉइन है यूएसडी के लिए जो रिजर्व बना रहे हैं, इसे रिजर्व रखने के लिए भी एक यूज केसेस वो हो गए। अभी लोग बैंक के पास इज अ कोलेटरल भी रखते हैं बिटकॉइन को, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर ये परचेजिंग हो जाती है तो फिर बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत हाई जा सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी अगर हम बात करें टेरा फाउंडेशन, जैसे हमारे पास टेरा फाउंडेशन लूना फाउंडेशन के बारे में मैंने आपसे बात की, टेरा लूना इज नो द थर्ड लार्जेस्ट डिस्क्लोज बिटकॉइन होल्डर इन द वर्ल्ड विद 30,727 बिटकॉइन अभी तक टेरा फाउंडेशन के पास है। सबसे ज्यादा माइक्रोस्ट्रेटजी के पास है 1,25,000 से ज्यादा बिटकॉइन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास टेस्ला कॉर्पोरेशन है जो कि एलन मस्क उसके सीईओ है, उसने परचेज किए हैं जो कि तकरीबन 43,000 बिटकॉइन है। अभी जो थर्ड हमारे पास है वो लूना फाउंडेशन है, उसके पास 30,000 से ज्यादा अभी तक बिटकॉइन है जो कि ये तकरीबन $1.6 बिलियन है, $9 बिलियन उसने और इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद जो हमारे पास ये लूना फाउंडेशन है, इसके बाद सबसे ज्यादा बिटकॉइन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यूके की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी एक न्यूज आ रही है कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है वोट फॉर बिटकॉइन प्राइवेसी, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो ये बिटकॉइन की प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। द प्रपोज मेजर वुड क्रैक डाउन ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर बिटवीन सेल्फ होस्टेड वॉलेट एंड रिक्वायर फर्म टू आइडेंटिफाई सेंडर एंड रिसीवर। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है, वो यही कहते हैं कि जितने भी हमारे पास जो फर्म है, फर्म का मतलब ये है जैसे बाइनांस है, कॉइन बेस है, उसके अलावा हॉबी है, क्रिकन है, जितने भी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, वो जो जितने भी लोग वॉलेट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मेटामास्क वॉलेट यूज करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं सेल्फ होस्टेड वॉलेट। वो कहते हैं कि जो ट्रांसफरिंग होती है आपने इसको डिस्क्लोज करना है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजेक्शन कहाँ से हुई, किस वॉलेट से हुई और कौन लोग उसको ट्रांसफर करें या उसको रिसीव करें। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी या वॉलेट की बात करें तो वॉलेट हमारे पास डिसेंट्रलाइज है, तो इसी जितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर है उसकी जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी इफेक्ट हो सकती है। अभी रिस्पॉन्स भी दिया है इन लोगों ने, पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉइन बेस है ब्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग, इसने भी उसको क्रिटिसाइज किया है कि नहीं ये रूल बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी जो उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है क्योंकि हम किसी भी क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद एक और हमारे पास जो मेजर है बिटफिनेक्स की सीटीओ जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, उसने भी अनाउंसमेंट किया है कि ये हमारे पास इसके अगेंस्ट है। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी जो फैसला दिया है तो अभी तो ये फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह कोई डिसीजन आता है तो ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी तो बिटकॉइन के प्राइसेस को इम्पैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर के बारे में अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें वो पांच चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से मुझे इनिशियल लॉस हुआ था, जिन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करने, पहले बात यह है इस न्यूज को आपने पढ़ना चाहिए। देखो और $5 बिलियन हैज बीन लॉस्ट इन डीफाई इज अ रिजल्ट ऑफ हैक रिग पुल्स एंड इकोनॉमिक अटैक। देखो तकरीबन अभी तक क्रिप्टो करेंसी में स्पेशली अगर हम बात करें 2009 से लेकर 2022 तक तकरीबन 11-12 साल हो गए, $5 बिलियन की लोगों ने लॉस किए हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। कल की न्यूज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब एक्सी इन्फिनिटी का एक ब्रिज था रोनर ब्रिज, जब वो हैक हुआ $600 बिलियन की वहां पे लॉस हुआ, लोगों ने उसको हैक किया। उसके अलावा अगर हम बात करें सोलाना में जो उसका ब्रिज हैक हुआ था $300 बिलियन का हैक हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें पोलीगॉन की या उसके अलावा जो ओपन सी में बहुत बड़ी हैक हो गई थी। अभी रेक पोल जितनी भी हमारे पास स्कीम है वो इस तरह होते हैं, बहुत सारे लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है वो चली गई है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाना है कि आपने कैसे बचना है। देखो हमारे पास है क्रिप्टो शिलिंग, आपने क्रिप्टो शिलिंग से बचना है। अभी क्रिप्टो शिलिंग है क्या, इसमें मैं समझाता हूँ। देखो हमारे पास क्रिप्टो शिलिंग इज व्हेन समबडी टॉक अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग मोर डिमांड फॉर अ टोकन एंड इंक्रीजिंग इट्स प्राइस। देखो हमारे पास नॉर्मली क्या होते हैं क्रिप्टो शिलिंग, क्या होते हैं क्रिप्टो शिलिंग, इस तरह होते हैं कि बहुत सारे आप यूट्यूबर देखते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को वो प्रमोट करे ताकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, हालांकि उसके कोई भी यूज केसेस नहीं होते। कोई स्मॉल प्रोजेक्ट होता है उसको बार बार वो लोग उसको शिल करते हैं, शिलिंग का मतलब ये है कि उसको एडवर्टाइजिंग करना, उसको प्रमोट करना, हालांकि उसकी कोई भी डिमांड नहीं होती,
उसकी डिमांड ना होने के बावजूद भी वो लोग आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे लोग जब वहां पे चले जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आती है। तो आपने क्रिप्टो शिलिंग में कभी भी नहीं आना है। देखो अगर आप किसी भी अगर कोई आपको जो यूट्यूब जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है वो कहते हैं कि इस कॉइन में इन्वेस्ट करो, ये अच्छी कॉइन आया है, ये गेम चेंजर है, तो आपने कभी उसमें नहीं जाना है। अगर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते तो आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके अलावा एक हमारे पास है मून बॉय, बहुत सारे हमारे पास इन्फ्लुएंसर है, ट्विटर है, उसके अलावा टेलीग्राम है, वहाँ पे बहुत सारे मून बॉय बैठे हैं। मून बॉय का मतलब ये है कि वो ये एक तासुर क्रिएट करते हैं कि अभी ये क्रिप्टो करेंसी है, ये इसके बाद उसके प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये हमारे पास नेक्स्ट डॉज कॉइन है, शिबा इनू कॉइन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है, या नेक्स्ट बिटकॉइन है, इस तरह की बातें आप लोगों के साथ करते हैं। तो आपने मून बॉय के में भी नहीं आना है, आपने ट्विटर से कोई सिग्नल नहीं लेना है, आपने टेलीग्राम से भी कोई सिग्नल नहीं लेना है, बल्कि आपने खुद एनालिसिस करना है। अगर आप नहीं जानते क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपने पहले जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी है या टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी है उससे नीचे आपने नहीं जाना है, तो ये बेस्ट प्रिंसिपल है। उसके अलावा हमारे पास जो शेडी इन्फ्लुएंसर है, आपने इस बात में कभी भी नहीं आना है। देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, वो किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करें, उसको स्पॉन्सर जो जितने भी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है उसको डॉलर दिए जाते हैं, $200 इवन $1000 से ज़्यादा भी दिए जाते हैं। देखो हमारे पास नॉर्मली जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, जितने भी स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं उसके जो टोटल होल्डर है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उसकी जो रैंकिंग है वो 100 में होते हैं, पता नहीं वो पहले टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज में भी नहीं आते हैं। तो उसको जो उसके प्राइसेस हैं उसको उसके प्राइसेस को पुशअप करना इंतहाई ज़्यादा आसान है। देखो अगर कोई क्रिप्टो करेंसी है उसकी टोटल मार्केट कैप हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन है और उसकी जो ट्रेडिंग वैल्यू में वो सिर्फ $1,00,000 है, अभी उसकी प्राइसेस को डबल करने के लिए सिर्फ $1,00,000 चाहिए। अगर हज़ार लोग भी सिर्फ $100 वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है। अभी हमारे पास जितने भी शिडी इन्फ्लुएंसर है वो ऐसे गलत प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसकी प्राइसेस शॉर्ट टर्म के लिए प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही जिन लोगों ने उसको क्रिएट किया है वो अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपने क्रिप्टो शिलिंग, मून बॉय और शिडी इन्फ्लुएंसर से बचना है, और इसके अलावा हमारे पास जो स्कैमर है उनसे आपने बचना है। पहले हमारे पास है टेलीग्राम ग्रुप, आपने टेलीग्राम के जितने भी सिग्नल ग्रुप है आपने उसको अवॉइड करना है, एक चीज तो हमारे पास ये हुआ। और दूसरे वहां पे जितने भी ICO ग्रुप है जो आपको IDOs ICO के लिए इन्वाइट करते हैं, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे $500 इन्वेस्ट करो तो हम आपको $5,000 देंगे, तो आपने इससे ज़रूर खुद को बचाना है। जो टेलीग्राम है उस पर बहुत सारे ग्रुप है जो कि अच्छे ग्रुप है, उसके बारे में मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन टेलीग्राम में आपने बहुत ज़्यादा मुहतात रहने हैं, स्पेशली ट्विटर पोस्ट बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्विटर है, सेलिब्रिटी है वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आपने कभी भी किसी भी पोस्ट के बारे में नहीं आने। उसके अलावा हमारे पास जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग है इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ, अच्छा तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास है जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर का एक फॉर्मर CEO था, अभी इसका एक इंटरव्यू चल रहा है, ये लेव चल रहा है, आप इस इंटरव्यू देख रहे हैं, 5,000 लोग अभी उसको देख रहे हैं और 47,000 लोगों ने इसको लाइक किया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, देखो ये एक पुराना इंटरव्यूज है, अभी ये स्कैमर उसको चला रहा है और यहाँ पे एक इवेंट के बारे में बता रहा है कि अगर आप हमें 0.5 इथेरियम सेंड करेंगे तो हम 500 इथेरियम आपको सेंड करेंगे, अगर आप 0.1 बिटकॉइन हमें सेंड करेंगे तो हम आपको 10 बिटकॉइन सेंड करेंगे। आपने देखो यहाँ पे वो ऑफिशियल इवेंट के बारे में कहते हैं, ये उसका एक लिंक भी गिवन है। आपने क्या करना है, आपने इस लिंक पे कभी भी नहीं अपने जो तुम्हारे पास एसेट है उसको कभी भी किसी को नहीं बेचना है, ये सारे स्कैम है। उसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक जो बड़ा सेलिब्रिटी है, एलॉन मस्क है, जो चार्ली हॉजकिंसन है, या उसके अलावा हमारे पास विटेलिक है, उसकी इंटरव्यूज चलाते हैं लोग। अभी देखो इसको जो अभी बैन किया है, ये मैंने अभी ओपन किया था, यूट्यूब ने इस पर जो वायलेशन टर्म्स एंड सर्विसेज हैं उसके एक बहुत बड़ा चैनल था उसको बैन लगाया है, यहाँ पे विटेलिक की जो वीडियो है उसको। अभी हमारे पास ये लोग हैं, ये क्यों चला रहे हैं, इन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। सपोज करें अगर एक शख्स ने 0.5 इथेरियम को यहाँ पे सेंड किया तो अभी 47,000 लोगों ने इसको लाइक किया है, तो ऑब्वियसली इनमें से 100 लोगों ने तो सेंड किया होगा। अभी अगर 100 लोग वहाँ पे सेंड करेंगे, उन लोगों के पास अगर सिर्फ 100 इथेरियम होंगे तो ये $1,00,000 है, तो आपने इनसे ज़रूर बचना है, ये सारे फ्रॉड है। तो ये थी एक डिटेल डिस्कशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, खुदा हाफिज़।